हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ बैंकिंग, SSC और एनी डिफेंस एग्ज़ाम, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स कराऊँगी। इसमें कोई आप बैंक एग्ज़ाम देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, SSC का देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको रूट से एडवांस तक पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ में इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि टॉप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं नाउन की। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, आज मैं उस पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं। ये एग्ज़ाम्पल वही हैं जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, उनके बेसिस पे मैंने 5 एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं। चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें कहाँ एरर है और कौन से सेंटेंसेस में करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, राहुल मैथमेटिक्स इज़ टेलिंग दैट रिया हैज़ अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैथमेटिक्स, इस पे मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपके सब्जेक्ट के नेम एज अ नाउन यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, बट अगर वो एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ किए जाते, मीन्स जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स है, आप देखिए यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, राहुल मैथमेटिक्स इज टेलिंग दैट अबाउट रिया हैज़ अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये उसकी, रिया ने जितनी मनी अर्न की है, मतलब जितना उसके पास प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहा है। दैट मीन्स राहुल ये कैलकुलेशन कर रहा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया है, तो जब ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं किए जाते तो हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब। ऐसे ही मैंने आपका पॉलिटिक्स बताया था, स्टैटिक्स बताया था। दैट मीन्स आपके सब्जेक्ट का नाम अगर नाउन की तरह यूज़ होता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, बट अगर वो वर्ड एज अ नाउन यूज़ नहीं हो रहा है, किसी और मीनिंग में यूज़ हो रहा है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे। सेकंड देखते हैं, सी विजिटेड ने निशास एंड वैभव्स हाउस ट्वाइस बट द कपल एब्सेंट। इस पे मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था कि जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो हमारा पोजिशन शो करता है, मतलब अधिकार शो करता है। इसका मीनिंग का की के होता है कि मेरा घर, माई हाउस, राहुल का घर, राहुल अपोस्ट्रोफी एस हाउस, ऐसे लिखेंगे इसको, राहुल अपोस्ट्रोफी एस, अगर मुझे बोलना हो कि राहुल का घर है, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था कि अगर दो नाउन हो, एंड से कनेक्टेड हो और वो एक ही चीज़ की बात कर रहे हो, तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले में लगता है, ठीक है। बट अगर दो नाउन अपोस्ट्रोफी एस हो, अपोस्ट्रोफी एस लगा हो और एंड से कनेक्टेड हो और वो डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करें, मतलब ना इसकी अलग हो कोई चीज़, इसकी अलग हो, तो हम सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ में लगाएंगे। ये हमें पता कहाँ से रहेगा? इसका आइडिया हमें आगे का सेंटेंस दे देगा कि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कि हमें इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे करना है। जैसे हम इसमें बात करते हैं, सी विजिटेड निशा एंड वैभव, उसने निशा और वैभव का घर विजिट किया, वो घर गई दो बार, लेकिन कपल एब्सेंट था। कपल दैट मीन्स इन दोनों का घर एक ही घर है, ये दो बंदो, ऐसा नहीं है कि इसका घर अलग है इसका घर अलग है, क्योंकि ये कपल है, तो जो मेरा अपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो लास्ट वाले में लगेगा, तो मेरा सेंटेंस अब ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ है, सी विजिटेड निशा एंड वैभव्स हाउस ट्वाइस बट द कपल एब्सेंट, वहाँ पे कपल एब्सेंट था। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, सी टोल्ड मी दैट द आइडिया ऑफ महात्मा गांधीज वॉज फिटेड द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए वो ये बोल रही है कि जो महात्मा गांधी का आइडिया है वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है, एकदम सटीक बैठता है। अपोस्ट्रोफी एस में मैंने बताया था कि ये पोजिशन तो शो करता है, बट अगर ऑफ लिखा हो, जैसे अगर मैं लिखूँ द कार ऑफ राम, इट इज़ इक्वल्स टू राम्स कार, या वो आप ऐसे बोल सकते हो द कार ऑफ राम, आप ऐसे भी बोल सकते हो राम्स कार, राम की कार। ये क्या बताता है कि अगर ऑफ आ गया है
तो अपोस्ट्रॉफी एस फिर नहीं आया क्योंकि ऑफ ही अपोस्ट्रॉफी एस को रिप्लेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी का आइडिया, या तो आप यहाँ से ऑफ हटा दीजिए या आप यहाँ से अपोस्ट्रॉफी एस हटा दीजिए। अगर मैं यहाँ से अपोस्ट्रॉफी एस हटाती हूँ तो मेरा सेंटेंस अब भी करेक्ट है, सी टोल्ड मी दैट द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी वॉज फिटेड द प्रेजेंट सिचुएशन। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी टोल्ड मी दैट द आइडिया दैट महात्मा गांधीज आइडिया वॉज फिटेड द प्रेजेंट सिचुएशन, ये उस तरह से भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग सम समर्स फ्लावर, मतलब मैं कुछ समर फ्लावर लाने के बारे में सोच रही हूँ। अब देखिए, अब समर्स में हमारा अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ठीक है, बट यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, नाउन है, समर्स क्या है यहाँ पे, समर्स तो हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में तो एस या ई एस लगता ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। कीप इट माइंड कि हम अपोस्ट्रॉफी एस जो होता है वो नाउन में लगाते हैं, आप उसके एडजेक्टिव में नहीं लगाते हैं। अब समर एडजेक्टिव कैसे हुआ, नाउन को जो क्वालिफाई करता है, नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पर नाउन फ्लावर है, फ्लावर की विशेषता मतलब फ्लावर को क्वालिफाई किया है समर ने, तो समर क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, योर एडवाइस इज बेटर देन राहुल, तुम्हारी, अब इसमें सेंटेंस में वो कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हारी एडवाइस जो है राहुल की एडवाइस से बेटर है। अब देखिए, बट यहाँ पे तो ये बोला है तुम्हारी एडवाइस जो है राहुल से बेटर है, राहुल की एडवाइस से बेटर है ना, राहुल से बेटर तो नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे सेंटेंस को, हम लिखेंगे राहुल्स एडवाइस, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर राहुल छोड़ दो सीधा, ये भी करेक्ट है। तो ये सेंटेंस आपको ये सेंस देगा कि तुम्हारी एडवाइस बेटर है राहुल के एडवाइस से। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे इन सेंटेंस के थ्रू वो एक बार आपको रिवाइज करा दिए, अब मैं आज मैं आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगी नाउन के अंडर ही, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको कल ही दे दिया था। मैं बात कर रही हूँ पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानकर बात करते हैं तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसको हिंदी में आप बोलते हैं मानवीकरण, अब हिंदी मीनिंग्स आपको समझ में आ रहा है, मतलब किसी चीज को इंसान मानकर बात करना मानवीकरण। तो अगर मेरा पर्सोनिफिकेशन नाउन होगा तो मैं उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी। अब मैंने ये आपको इतना स्पेसिफाई करके क्यों बताया है, इसलिए बताया है कि जो मेरी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनमें मैं अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करती हूँ। आई विल यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस ओनली इन लिविंग थिंग्स, नॉट इन नॉन लिविंग थिंग्स। बट पर्सोनिफिकेशन अगर हो रहा होगा हमारे सेंटेंस में तो मैं अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानकर बात की जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी, ये सुना होगा कि जो अवसर होता है, ये प्रोवर्ब है कि अवसर दरवाजे पर सिर्फ एक बार दस्तक देता है, इसको लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज कम ओनली एट वंस। मैंने लिखा है अपॉर्चुनिटी कम ओनली एट वंस, मीन्स जो अवसर होता है वो हमारे दरवाजे पर सिर्फ एक बार आता है। अब अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर जो है, वो कोई इंसान तो है नहीं, वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, बट मैंने उसे लिविंग थिंग कंज्यूम कर लिया है, लिविंग थिंग मान लिया है, तो इसलिए मैंने इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा लिया है। ठीक है, अगर आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानेंगे तो आप उसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे पोइटर्स होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, जब वो कोई कविताएं लिखते हैं तो वो हमेशा पर्सोनिफिकेशन करते हैं। जैसे बात करते हैं
कि हवा चल रही है, उसकी साउंड बहुत मधुर लग रही है, बहुत अच्छा म्यूजिक कर रही है, मतलब वो अपनी कविताओं में हमेशा पर्सोनिफिकेशन देते हैं, उसी पर्सोनिफिकेशन से उनकी जो पोएम्स हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाती हूँ। विंड, साउंड इज अ गुड म्यूजिक, मतलब जो हमारी हवा है उसकी जो आवाज़ है बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है। हवा की आवाज़ थोड़ी होती है, हवा कोई म्यूज़िक थोड़ी है, बट हमने उसे मान लिया है। तो यहाँ पर भी मैंने एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग माना है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें आपको सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, नंबर, यूनिट, नाउन। अगर मेरा नंबर, यूनिट, नाउन गिवन है तो जो यूनिट होगी वो हमेशा सिंगुलर आती है। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रिया हैज 3 dozen मैंगो। देखिए, रिया हैज 3 dozen, थ्री दिस इज नंबर, डजन यूनिट, एंड मैंगो अगेन नाउन, ये नंबर है। ठीक है, अब नंबर, यूनिट, नाउन है तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसमें जो यूनिट आती है वो हमेशा आपकी सिंगुलर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डजन, हम डजन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दूसरे एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 2 kilo मैंगो। मेरे पास यहाँ पे मैंगो ही आएगा, मैंगोज नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास 2 किलो मैंगो है। अब यहाँ पे जो ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया, ये नाउन हो गया, तो यूनिट जो है वो सिंगुलर आती है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, अगर नंबर, यूनिट दिया हो, नाउन ना दिया हो बाद में, फिर कैसे होगा, तो उसको हम ऐसे देखेंगे। अब मुझे सिर्फ नंबर, यूनिट गिवन है, जैसे 2 dozen, 2 kilo एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें नंबर है, यूनिट है, नंबर है, यूनिट है, यूनिट है, बट नाउन तो है नहीं, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए, हमारे इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक में होता है, अगर आपकी जो नंबर, यूनिट गिवन है ये सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट। अब इसको देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई हैव 10 rupees। टेन नंबर हो गया आपका, रुपी क्या हो गया, यूनिट हो गया, नाउन तो है नहीं यहाँ पे। तो अगर ऐसा हो तो, पर ये सफिशिएंट है ना, अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है ना। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है जो सेंटेंस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दे। इसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसके पास 10 rupees हैं। तो जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं उनमें हम प्लूरल यूज़ करते हैं, यूनिट्स के साथ प्लूरल यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपीस, आई हैव 10 rupees। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझाती हूँ। मैंने भी आपको पढ़ा है नंबर, यूनिट, नाउन, उसमें क्या था, हमेशा आपकी यूनिट सिंगुलर फॉर्म में आएगी। बट अगर आपको सिर्फ नंबर, यूनिट गिवन हो, नाउन ना गिवन हो उसके बाद में, तो आप कैसे करेंगे, उसके आपके 2 तरीके होते हैं, मीन्स वो 2 फॉर्म में आ सकती है नंबर, यूनिट। फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आएगी कि अगर आपकी नंबर, यूनिट सेल्फ सफिशिएंट हो,
सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये है कि वो सेंटेंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, जैसे आई हैव 10 रुपी, मेरे पास 10 रुपये हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जो हमारी यूनिट आएगी वो कैसी आएगी, वो आपकी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब इसका दूसरा, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो तो कैसे होगा, आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, ये नोट्स आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो यानी कि नॉट सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो उसमें यूनिट आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। जैसे 5 किलो, 2 डज़न, एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल हैज 5 डज़न। हमारे सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो गया। अब देखिए, राहुल हैज 5 डज़न, 5 डज़न वॉट, क्या है उसके पास 5 डज़न, सेंटेंस ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो मेरा ये देखिए, ये आपका नंबर आ गया है, ये आपकी यूनिट आ गई है जो कि हमारी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी यूनिट होगी उसको क्या बनाएंगे, उसको सिंगुलर बनाएंगे। तो राहुल हैज़ 5 डज़न, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। अब हमें याद कैसे रहेगा ये कि सेल्फ सफिशिएंट में सिंगुलर लेना है यूनिट को या फिर प्लूरल लेना है, याद कैसे, याद ऐसे रखेंगे, देखिए जो चीज़ सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट कब होता है, जब हमारे पास बहुत सारा होता है ना, तभी तो हम सफिशिएंट होंगे, तो बहुत सारा मतलब प्लूरल। अब नॉट सेल्फ सफिशिएंट मतलब है ही नहीं, आप सफिशिएंट नहीं, उसका मतलब आपके पास बहुत सारा नहीं है, बहुत सारा नहीं है मतलब सिंगुलर है, कम है, एक है, तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर, ठीक है, इसको ऐसे लर्न करेंगे तो इससे आपको लर्न भी रहेगा, ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक आपका होता है हाइफनेटेड नाउन, आप मेरे लेक्चर के साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस वाला वीडियोस भी देती हूँ, आप उसको भी किया कीजिए, क्योंकि जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसके बेस पे भी देती हूँ, और कुछ मैं उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन कराती हूँ, मीन्स जो हमने पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी, उससे क्या बेनिफिट होगा, जो हमने पढ़ा है वो हमें रिवाइज़ हो जाएगा, और जो हमने नहीं पढ़ा है या फिर जो हम आगे पढ़ेंगे उसका हमें एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए हाइफनेटेड नाउन देखते हैं, जैसे ये नाउन होते कौन से हैं, जैसे मदर इन लॉ, जिसके बीच में हाइफन लगा हो, इसको बोलते हैं हाइफन, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, जो इस तरह के नाउन होते हैं इसमें हमेशा लास्ट में हाइफन लगा होता है, और अगर नहीं लगा है तो आप लगाएंगे, जैसे हर मदर इन लॉ नेचर टू गुड, मीन्स उनकी मदर इन लॉ का नेचर बहुत अच्छा है, तो हमने क्या किया है, ये हमारा हाइफनेटेड नाउन आ गया, तो इसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है, मदर इन लॉ का नेचर, ठीक है, मतलब सास का नेचर, तो ये आया ना का, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा अपोस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है, मींस हम जैसे जो हाइफनेटेड होते हैं उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं वो इनको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, मदर्स इन लॉ, ये भी रॉन्ग है, मदर्स इन लॉज,
ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका इस कंडीशन में रॉन्ग है। सही किस कंडीशन में है? देखिए, ये आपको समझ में आया ना? अब देखिए, ये हो गया मेरा सिंगुलर फॉर्म, मतलब सिंगुलर नाउन। अगर मुझे इसी को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो तो मैं क्या करती हूँ, तो हम लगाएंगे जो इसका मेन पार्ट होता है, मींस मदर इसका मेन पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगाएंगे मदर्स इन लॉ, तब आपका यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि सिंगुलर फॉर्म में ऐसा है तो प्लूरल फॉर्म में आप दोनों साइड ऐसे लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एक होता है कंपाउंड नाउन, देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंपाउंड, मतलब दो एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मतलब जिसमें जब दो चीज़ें हों, दो चीज़ें मतलब नाउन, इसमें तो नाउन आएगा, दो नाउन आएंगे, बट इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, जब हमारा नाउन प्रेपोजिशन नाउन इस फॉर्म में गिवन होगा तो वो आपका सिंगुलर होगा, मीन्स वो सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट होगा। अब सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हुआ है तो मीन्स सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें, ठीक है। अब मैं हर बात में ये बोल रही हूँ सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके वर्ब पर पड़ेगा, मीन्स सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो ये भी वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। अब कैसे, नाउन प्रीपोजिशन कैसे हो जाएगा, जैसे पेज आफ्टर पेज, और ऐसा नहीं इसमें दो नाउन आए तो एस लगाएंगे, मतलब इसको पेजेस आफ्टर पेजेस अगर आपने कब कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या है, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या आया, नाउन, ये क्या है, नाउन, और यहाँ पे आफ्टर क्या है आपका, ये है प्रेपोजिशन। तो ये मेरा हो गया अब सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन आया है तो वर्ब भी कैसी आएगी इसमें, सिंगुलर, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं डे बाय डे, तो यहाँ पर ये तो नाउन हो गए मेरे दोनों, और बाई क्या हो गया, प्रेपोजिशन, तो ये भी कैसा हो गया, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब कैसे यूज होगी इसमें, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज होगी सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। अब देखिए एक इसमें रूल और देख लेते हैं हम, अगर प्रॉपर नाउन गिवन है, ठीक है, उसे मुझे कॉमन नाउन में चेंज करना है तो मुझे इससे पहले, मतलब उसमें द ऐड करना रहेगा आर्टिकल, मीन्स अगर मैं प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल ऐड कर दूँ यहाँ पर, तो मैं उसे एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आर क्लास, वो हमारी क्लास का महात्मा गांधी, मीन्स उसकी जो गुण है वो महात्मा गांधी जी जैसे हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन होता है क्योंकि एक नेम है, बट मुझे इसे एज अ कॉमन नाउन यूज़ करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसमें आर्टिकल को ऐड कर दिया है। अब ये मेरा जो महात्मा गांधी है वो एज अ कॉमन नाउन, ये यहाँ पर क्या बन गया आपका, कॉमन नाउन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर
ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये तो जो शेक्सपियर हैं, जो एक राइटर थे, पोइटर थे, वो तो हमारे प्रॉपर नाउन है ना, बट मैंने द आर्टिकल की हेल्प से एज अ कॉमन नाउन यहाँ पे इनको यूज़ किया है। ठीक, अब ये मेरा क्या बन गया है, कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें, तो जो टॉपिक्स या जो कंसेप्ट आप कर रह गया तो वो मैं आपको उसमें समझा दूंगी। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ा आप उसको रिवाइज़ कीजिए। इसमें अगर आपको कुछ भी इशू आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं आपको सॉल्यूशंस का वहीं पे दे दूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।